स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अरे नहीं, इनको क्या फर्क पड़ता हमारे जीने मरने से, लेकिन एक बात हम आज साबित कर देंगे, हमारे जीने से फर्क पड़े ना पड़े, हमारे मरने से बहुत फर्क पड़ेगा। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हारे अंदर पत्थर का दिल है क्या? अरे वो गिर जाएगा। अरे बोल दो ना। अच्छा बाबा, आई लव यू। का? का का? अरे हमको सुनाई नहीं दिया। अरे नाम तो लेके बोलो, हमको क्या पता किसको कह रही हो। हाउ रोमांटिक, कितना प्यार करता है वो तुमसे। अरे अब बोल दिया तो उसका नाम लेके बोलने में क्या जाता है? हाँ? अरे बोल दो वरना गिर जाएगा। हाँ हाँ बोल दो। अरे बोल दो। कृष्णा, आई लव यू। बात अभी ये आई लव यू जिंदगी भर हमारे कान में गूंजता रहेगा। देखा कितना प्यार करती तुम हमसे। अरे हम बोले थे मान जाओ, लेकिन नहीं, अकेले में नहीं बोली तो देखो सबके सामने बोलना पड़ गया है कि नहीं। कैसे हैं प्रोफेसर साहेब? सब बढ़िया ना है? घर में लोग कैसे हैं? कुशल मंगल? चांदी कट रही होगी मजे में। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए नाती पोता कब खिला रहे हैं गोद में? अरे दूसरी बार सहनाई कब पहुंचेगी घर में? है वो कहाँ है ना, हमारे पहचान के कुछ लोग हैं सहनाई बजाने वाले, कहते हैं तो तीन चार पोते लिखवा देगा। हाँ भैया सही कह रहे हैं, कल ही सरंगीला कह रहा था बैंड बजा ढोल की सब तैयार है, कोई ब्याह शादी हो तो बताइएगा। अरे भैया हमरा भी नाचने का बड़ा मन कर रहा है, आप ब्याह कर दीजिए फिर हम भी जलवा दिखाएं अपने नाच का। उसी का जुगाड़ तो कर रहे हैं। वैसे प्रोफेसर साहेब छुटकी बिटिया कैसी है? जवान है ना वो भी। नहीं मतलब शादी ब्याह के लिए, कि शादी वादी कराएंगे कि ये क्या बदतमीजी है? चलो जाओ यहां से, भागो यहां से। ऐसे कैसे चले जाए भाई, बात करने आए हैं आपसे। और भड़कते काहे हैं? क्या बे जुगनू, छोटी बिटिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले का? ठीक बोले ना। अरे भैया
आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकी छोटी बेटियां बहुत मस्त है। आपका जोड़ी बहुत ही जबरदस्त लगेगी। वैसे प्रोफेसर साहब, हम आपसे अपने पूरे हृदय के साथ कहते हैं कि अगर आपको अपनी छुटकी लड़की के लिए लड़का नहीं मिले तो हम हैं नहीं, मतलब आपकी मदद करने के लिए। अरे आपकी मदद करने के लिए ही तो हमने ये जीवन लिया। मैं आपकी मदद कर दी ना, साली जिंदगी सफल हो जाएगी। सही में भैया, तो प्रोफेसर साहब अपनी छोटकी बिटिया का ब्याह आपसे काहे नहीं कर देते? अबे जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे। जब बड़ी बिटिया को कृष्णवा के साथ ब्याह सकते हैं तो छोटकी बिटिया हमारे साथ ब्याह नहीं सकते का? अरे वो तो वैसे भी अंगूठा ठेक है। हम तो थोड़ा बहुत क्लास भी पास किए। हाँ भैया, आप छठी फेल हो तो कहाँ हुआ, पांचवी तो पास है ना भैया। सुन लिए प्रोफेसर साहब, पांचवी पास। आपके दामाद से ज्यादा योग्यता रखते हैं हम, तो का ख्याल? भैया के ससुर को चाकू दिखा रहे हो बे? मैं कहाँ बे अंगद, बहुत हवा में आ रहा है आजकल है बेटा। भैया गए हुए हनीमून पे समझे, वरना ना तुम्हें निचोड़ के तुम्हारा तेल निकाल देते। बे तेल तो हम ही निकाल देते, लेकिन हम यहाँ कोई लफड़ा करना ही नहीं चाहते। अरे चल दुआ, तुम दोनों बीच में मत पड़ना, बता रहे तुमको। बे काहे नहीं आए बे? अबे क्या मारब ना, तो जलेबी के नहर गोल गोल घूमे लागबो समझे। ससुर ना आई तो तुम साले बहुत दिन से हमरी आंख में चढ़े हो, इतना मारेंगे तुम्हें, इतना मारेंगे कि सांस लेना भी भूल जाओगे, तुम्हारी गुंडाई सब अंदर घुस जाएगी। एक हिम्मत कैसे हुआ ठाकुर सज्जन सिंह के समधी पे हाथ उठाने की? ओहो हमके रहते हुए काट काट के तौल देंगे साले। का सुनाई नहीं दे रहा का बे, बहरे हो गए हो? चलो निकलो यहाँ से, चल चल भाग यहाँ से, निकल ले। एक बार आ जान दो भैया को, फिर बताएंगे तुम्हारी सारी करतूत, फिर देखना। निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। आप आ गए, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि इतने दूर में बाहर मत जाए कीजिए। ये लीजिए पानी पीजिए, ये हमें दीजिए, लीजिए। अब बाहर से बहुत आवाजें आ रही थी, क्या हुआ, झगड़ा हो रहा था क्या? आप जानती नहीं है क्या
कि पिछले कुछ महीनों से इस गली में जो कुछ भी तमाशा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारे घर या हमारे बच्चों की वजह से? न जाने कौन सा नक्षत्र आ गया है हम पर जो ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। आखिर अब क्या हो गया? अरे माँ, होना क्या है, वो हुंडा अंगद वो हमारी आरुषि के बारे में अनाप शनाप बकने लगा। एक गुंडे के साथ बेटी ब्याही है ना, तो शहर के सभी गुंडे हाथ आजमाएंगे। कल को हमारी दूसरी बेटी आरुषि के लिए भी बम गोली चले ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हे भगवान, हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी, अब हमारी आरुषि पर तो दया करो। इसी तरह इन लोगों की हिम्मत बढ़ती गई ना, तो हमारे घर परिवार का क्या होगा? अरे ऐसे कैसे हिम्मत बढ़ जाएगी, हमने भी उस गुंडे का मुंह बंद कर दिया है। सबके सामने खींच के थप्पड़ मुंह पर मारा है। और ज्यादा बदतमीजी करेगा तो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। आपने उन गुंडों का तमाचा मारा? आप क्यों उन गुंडों के साथ उलझ रहे हैं? कहीं आपको कुछ हो गया तो? अरे हमें कैसे कुछ हो सकता है, किसी की मजाल जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत करे? अरे हम तो ठाकुर सज्जन सिंह के संधि जो हैं। कोई हमारी तरफ देख भी कैसे सकता है? क्या मतलब? नैना जी, इतने बरसों से हम इस गली में एक शरीफ और इज्जतदार नागरिक की तरह जीते आए हैं, और आज तक इस गली के लोगों ने हमारे किसी भी मामले में हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज सारे के सारे लोग हमारे बचाव में उतर आए सिर्फ इसलिए कि हम ठाकुर सज्जन सिंह के रिश्तेदार हैं। अरे का पगला ही गई है का? है? अरे का जब देखो जब बच्चे के कपड़े के साथ चिपकी रहती है, मानती का है नहीं बे कि लात खाने का शौक चढ़ गया है तुमको? कितनी बार बोले हैं कि तुम्हारा ये सपना हम पूरा नहीं होने देंगे, टंकी फैलाए रखी है फालतू में। हैं? छोड़ी सब। ससुरे, एक बात कान खोल कर सुन ले कि तुम्हारी इस तमाशे से किसी को शक हुआ ना तो वो मार मारेंगे कि जब कराओगी तो पसलियां दर्द करेगी तुम्हारी। ससुरी छुछंदर को लोरी गाने का शौक चढ़ा है, बबुआ चाहिए तुमको। हैं? हट। शादी हुई है आपसे तो आपसे बच्चा पाने का हक भी तो है। हक? तो ससुरी अब तू हक हकूक की बात भी करने लगी है? कहां से सीखी फारसी, कौन सिखाए? ऊपर तिगवा है, सुन ले, दूसरे के बहकावे में मत आ और ये बात अपने पल्लू से घटिया ले।
ई जन्म में तो हम तुम्हारा बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे। फाइनल बात बस। देखिए, हम पहले भी आपकी बात मानकर चार चार बच्चे गिरवा चुके हैं, अब पांचवी बार फिर से, इस बार ऐसा मत कीजिए ना। वो कहे ना कि डॉक्टर ने कहा था कि बार बार बच्चे गिरवाना अच्छा नहीं होगा, फिर से पेट नहीं ठहरेगा और हमारी जान को भी खतरा है। खतरा? अरे तो अच्छा है ना, ससुरा तुमको भी वहीं जलाए दफनाए देंगे, तुम भी खुश और हम भी। पर ससुरी करिए, तुम इतनी जल्दी मरोगी थोड़े ही। एक बार बच्चा पैदा हो जाने दीजिए, फिर भले ही हमारी जान ले लीजिए। अरे यार चुप, बिल्कुल चुप, वरना ही चमड़े के जूता भिगोई भिगोई के मुंह मुंह पे मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। आपको कभी तो अपना बच्चा चाहिए ना, तो अभी काहे नहीं ऐसे अपना वंश डुबाएंगे। अरे हमारा वंश भी चलेगा और हम भी, और ये कौनू किताब में लिखा है कि हमारा वंश तुम्हारी कोख से ही चलेगा? लेकिन बीबी हम है तो करिया वंश नहीं चाहिए हमका। इतनी बार बोले तुमको हैं, फिर काहे सबके बारे में सोच रही हो? ये हमारी समस्या है तो इसका समाधान भी हम ही निकालेंगे, तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। ससुरे हट, मूड ही खराब कर दिया ससुरे। आज जो देखिए ना, हैं? घर पे जाके सबको बताइए अच्छे से। ये जो हमारी बीबी है ना प्रतिज्ञा, जो कभी धीरे से भी आई लव यू नहीं बोलती थी, आज सबके सामने जहान भर में चिल्ला चिल्ला के हमको आई लव यू बोली है। क्यों क्यों साले साहब? वैसे आप सब बैठे का हैं, कुछ खाते का ही नहीं? खाओ ना, ऑर्डर करो आराम से। मंगवाओ। ये लौंडा लपेटे में आया कि नहीं? अरे इके तन मन में ना बोरी सिलने के सूजे लगे हुए, इको लपेटे में लेकर घायल होना है का? अरे कौन कुछ कर ले, इकी जबान टस से मस नहीं होती। अबे दूसरों पे ना इल्जाम लगाना बंद करो, समझो? पहले अपने अंदर की गलती देखो। अरे तुम में कुछ अच्छा देखेगा तभी तो करेगा। का? यार बज रहा है। का? फोन। अभी बाबूजी का। लो हमको। हाँ बाबूजी प्रणाम। का? हेलो। अरे अरे बाबूजी हजार बार बोले ही मुंह पे इतनी दाढ़ी मूछ रखते हो ना, बात वहीं फंस जाती है बस। ये लो कट गया। ये यहाँ का है, कायदे की लाइन नहीं मिल रही, हम जरा बाहर बात करके आते हैं, समझो? अरे कुछ खा लो यार। हैं? ए तुमको बहुत ही मजा आता है ना हमारे भाई के मुंह से तारीफ सुन के, साला ई चक्कर में हमारी जिंदगी नरक हो गई। तुमको कौनो शरम वरम नहीं आती का? जितना बोलो ना उतना कम पड़ता है तुम्हारे लिए। ससुरे भिख मंगे। कोमल हम बोल नहीं रहे तो बेमतलब का तमाशा मत करो, अगर तुम्हें हमसे कोई शिकायत है तो घर जाके भी सुलझा लेंगे, यहाँ बेमतलब का बवाल करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा अब हम कुछ बोल रहे हैं तो हम बवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे ईसा भी सारी प्रतिज्ञा की वजह से हुआ है। देखो तमीज से बात करो वरना बहुत बुरा होगा। ये साले तेरी तो गाली मत दो। देंगे का करेगा बे? भैया आप प्लीज शांत हो जाइए। भाभी भैया किस व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अब ज्यादा नाटक मत फैला। पैसे
पहले खुद है तमाशा खड़ा करती है और बाद में माफी मांगती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।